आपकी राय में क्या एक अदद एक्सटेंशन और होनी चाहिए? ये जो आपकी हुकूमत के गिराने वाले हैं, इन तमाम लोगों ने ये कहा एक से ज्यादा बार ऑन रिकॉर्ड कि नवंबर में जो तब्दीली आनी थी, उस तब्दीली के नतीजे में हम सबको लटका दिया जाता, हमारी ऐसी की तैसी हो जाती। इनसे जब इस तब्दीली पर और इन दिनों में जब सिविल मिलिट्री लीडरशिप रिलेशनशिप जो है ये बहुत ज्यादा डिस्कस हो रहा है, तो इस वक्त इनसे बार बार बात हो रही है कि क्या एक्सटेंशन एक और प्रोबेबल है, अंडर कंसिडरेशन है, तो ये लोग कहते हैं नहीं, इस पर हम अभी बात नहीं करना चाहते। मुझे हैरत होती है क्योंकि इदारे में इतनी सलाहियत है कि कोई गैप पैदा नहीं होगा क़यादत का, तो इनको जवाब देना चाहिए। मेरा आपसे सवाल है कि आपकी राय में क्या एक अदद एक्सटेंशन और होनी चाहिए? देखिए, एक हमें चीज समझनी चाहिए, ये इस वक्त पूरी कैंपेन चलाई हुई है कि तहरीक इंसाफ को जिस तरह फौज से लड़ाने की कोशिश की जा रही है, और मैं फिर से कहता हूँ ये बड़ी ख़तरनाक कैंपेन है और ये हमारे दुश्मनों को सूट करती है कैंपेन। जब मेरी गवर्नमेंट थी तो आप अगर हिंदुस्तान में अखबार पढ़ें और जो मगरबी अखबार पढ़ें, जो कि हमारे खैर ख्वाह नहीं है, वो मजबूत पाकिस्तान नहीं चाहते, वो क्या कैंपेन कर रहे थे कि जी इमरान खान फौज का पुतला है। सारा वक्त ये वो कोशिश ये कर रहे थे, क्योंकि गवर्नमेंट की और सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप इतनी ज़बरदस्त थी कि हम सब एक पेज पे थे, उससे हम क्राइसिस से निकलते जा रहे थे। हमारा जो वो देखिए कोरोना का जो क्राइसिस है वो इतना बड़ा क्राइसिस था, और वो ये याद रखें कि सदी में एक दफ़ा इतना बड़ा क्राइसिस आता है, तो उस क्राइसिस के अंदर जिस तरह हम निकले हैं, जिस तरह सारे मुल्क के इदारे सब ने मिल के लड़े, और इसमें हम पाकिस्तानी फ़ौज का बहुत बड़ा रोल था, उन्होंने तो वहाँ बाहर जो हमारे दुश्मन थे उनको ये चीज़ पसंद नहीं आ रही थी, तो बार बार भड़काते थे कि जी इमरान खान तो पुतला है फ़ौज का, वो तो जो कहती है फ़ौज कहती है। और एक फेक साइट्स वेबसाइट्स डिस्कवर हुई और तहरीक इंसाफ के लोगों ने, हमारे सोशल मीडिया ने डिस्कवर किया, जिसे कहते हैं कि यूरोपियन यूनियन ईयू की जो थी साइट्स, ये जो फेक उन्होंने साइट्स बनाई हुई थी, जो डिस्कवर की डिसइंफॉर्मेशन लैब, जिसके अंदर हिंदुस्तान से 800 साइट्स बनाई हुई थी और वो पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल प्रोपेगेंडा कर रही थी, और वो क्या था कि सिर्फ अटैक हो रहा था इमरान खान को और पाकिस्तानी फौज को। तो जो लोग नहीं चाहते मुल्क मजबूत हो, वो चाहते हैं कि सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप अच्छी ना हो। अब वही लोग हैं जो उस वक्त कई पाकिस्तानी सहाफ़ी तब उस यूरोपियन यूनियन ये जो डिसइंफॉर्मेशन लैब का हिस्सा थे पाकिस्तान से, बाकी बाहर भी थे, अब वही लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी तहरीक इंसाफ और फौज के अंदर किसी तरह लड़ाई हो, किसी तरह आपस में तनाज़ा हो। यही हुआ था ईस्ट पाकिस्तान में, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी का टकराव हो गया था पाकिस्तानी फौज के साथ और मुल्क टूट गया था। मुल्क को कमज़ोर करने जो चाहते हैं, वो चाहेंगे कि एक मुल्क की जो फेडरेशन को इकट्ठा रख सकती है, उस पार्टी के खिलाफ वो फौज के और उसके आमना सामना हो जाए। ये हैं पाकिस्तान के दुश्मन, ये इसके अंदर शामिल हैं, ये जो सारे चोर इकट्ठे हुए हैं जो अपने आप को PDM कहते हैं, ये सारे एक दूसरे को करप्ट कहते थे, इन्होंने केसेस बनाए करप्शन के एक दूसरे के ऊपर, इनकी पूरी स्टेटमेंट्स हैं, इन्होंने एक दूसरे को कहा ये कितना करप्ट है, पेट फाड़ के पैसा निकाल दूंगा तो घसीटूंगा, ये सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड है। अब ये सब इकट्ठे हो गए हैं और इनका एक इंटरेस्ट है, इनको पता है कि अब इलेक्शन के अंदर ये तहरीक इंसाफ का मुकाबला नहीं कर सकते, इनको खौफ तारी आ गया है इलेक्शंस का। अब इनकी पूरी कोशिश है कि पूरी कैंपेन चलाएं कि किसी तरह ये साबित करें कि फौज और तहरीक इंसाफ फौज के खिलाफ है। फौज के खिलाफ कैसे कोई पार्टी जिसका जीना मरना पाकिस्तान में हो, जिनके कोई बाहर बड़े बड़े लंदन में और बाहर प्रॉपर्टीज ना हो, दुबई में बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज ना हो, जिनके जो जिनका बेस पाकिस्तान हो, वो क्यों चाहेंगे कि पाकिस्तानी फौज कमज़ोर हो? क्योंकि मुसलमान दुनिया के अंदर अगर आज आप देखें तो मुसलमान मुल्कों का हाल क्या है, जो मुल्क मुसलमान मुल्क अपनी हिफाजत नहीं कर सकता,
सीरिया से लें, लिबिया से लें, सोमालिया, यमन, सारे मुल्क देखें, तबाही मची हुई है। हमारे मुल्क के इंटरेस्ट में है एक तकड़ा फौज का इदारा, और जो भी इसको कमज़ोर करने की कोशिश करेगा वो पाकिस्तान के दुश्मनों का साथ दे रहा है, और ये साजिश चल रही है इस वक्त। तो ये जो आपने बात की, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि फ़ौज के अंदर जो भी मेरिट के ऊपर बेहतरीन लोग हैं वो ऊपर आएँ। ये ना हो कि मैं कहूँ कि मेरा आर्मी चीफ़ हो कोई फलाना, कोई उसका आर्मी चीफ़ हो। मेरिट के ऊपर जो बेस्ट लोग आते हैं उनको ऊपर आना चाहिए। हमारा क्या कंसर्न है इसका? दुनिया के अंदर बाहर भी आर्मी चीफ बनते हैं, बरतानिया में कभी सुना है उसके ऊपर कोई डिस्कशन भी होती है? मेरिट पे होता है, बन जाता है।